अगर आपकी भी कढ़ी फट जाती है या फिर उसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं आज आप लोगों से कढ़ी बनाने के टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं बहुत अच्छे अच्छे सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बटर जो है वो इंस्टेंट यूज करना है और ये मेल्टेड नहीं है तो उसे आप क्या करोगे, टिप नंबर वन, आप अच्छे से इसको ग्रेट कर लो, उसके बाद आप जिस पे चाहे उस पे यूज करो। आटा जो होता है ना वो रखे रखे ब्लैक हो जाता है अगर आप फ्रिज में करते हो, तो उसके लिए क्या है टिप नंबर टू, आप आराम से इस पे घी जो है ना अच्छे से ऊपर से इसमें लगा दो और एयर टाइट कंटेनर करके रख दो। भिंडी बनाते हो तो स्टिकी हो जाती है, तो चलो इसका भी टिप्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह से भिंडी वॉश करके थोड़ा देर के लिए इसको अच्छे से इसका ड्राई होने के लिए रख दो। मैंने इसे कट कर लिया है, भिंडी फ्राई बना रही हूँ, तो इसको आप उसके बाद क्या करो अच्छे से इसको हल्का फ्राई कर दो, ठीक है। उसके बाद इसमें नमक डालना, और जब ये थोड़ा सा नमक डालने के बाद शॉर्टे हो जाए तो हल्का सा नींबू का रस डाल देना, इससे टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और आपका जो भिंडी फ्राई है ना बहुत अच्छा बनेगा। मैं यहाँ पे देखो विदाउट ऑनियन गार्लिक बना रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगाना होता है, तो मैं इसमें कर्ड का यूज़ करूँगी। अगर कर्ड आप यूज़ करके भिंडी फ्राई बनाते हो तो बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप ये टिप जरूर फॉलो करना और कमेंट में मुझे बताना कैसा रहा। एक्चुअली लेमन जूस डालने से क्या होगा ना, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेगा। अगर लहसुन छीलना आपको भी बहुत हार्ड काम लगता है तो टिप्स नंबर फोर, इसको ना 10-15 मिनट के लिए आप पानी में डाल करके रख दो, फिर देखो ये बिल्कुल ईजिली इसका जो छिलका है ना वो आराम से निकल जाएगा। और इस तरह से आप ढेरों सारे लहसुन आराम से छील करके, देखो मैंने कितने सारे निकाल लिए, अब स्टोर करके रख लो और जब मन तब चाहे यूज़ करो, इससे आपका कुकिंग टाइम बहुत लेस हो जाएगा। स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मैंने कढ़ी के लिए ना जो आप फेंटते हो ना, इसका सबसे इजी वे में क्या है, आप मिक्सर जार ले लो, उसमें हाफ कप आप बेसन डाल दो और 2 कप आप दही डाल दो, ठीक है, फेंटने का झंझट ख़त्म। ये बिल्कुल ईजली आप फेंट लोगे और सच में बिल्कुल भी आपकी कढ़ी नहीं फटेगी क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से फेंटी हुई है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी डाल दूँगी, तो पानी का मेजरमेंट आप ऐसे ले सकते हो जैसे आपने हाफ कप अगर लिया है बेसन लिया है तो उसका 10 times आप पानी मिला दो। कढ़ी ऐसी चीज है ना कि हर जगह की हर तरह से बनता है और मैं बिल्कुल इसको इजी वे में बनाती हूँ। मैंने सारे जो भी पंचफोड़ा आते हैं वो डाल दी हूँ, हींग डाल दी हूँ और मैं अदरक कुटा हुआ डाल देती हूँ। अनियन गार्लिक का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, कड़ी पत्ता दे करके बस इसे थोड़ा सा सॉटे कर लिया और थोड़ा सा मैं पानी इसमें डाल दूँगी। जब वो अच्छे से थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा उसके बाद में जो वो मिक्स है ना दही और बेसन वाला, उसके बाद मैं उसमें और भी पानी डाल के फिर कंटिन्यूसली उसे मैं चलाते रहूँगी। अगर आप भी ऐसा करते हो ना तो सच में आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है बस, और कुटी हुई लाल मिर्च, बस ज़्यादा मसाले इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और आप इसी तरह से बनाओ, बस आप ये याद रखो कि आपको कंटिन्यूसली इसको चलाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। ये देखो हमारे कढ़ी में बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है, ये बॉयल भी गया। मैं पकौड़े डाल दूंगी और उसके बाद मैं 10 मिनट तक फिर से इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखूंगी जब तक और अच्छे से बॉयल ना हो जाए। ये बढ़िया से ये बॉयल हो गया और लास्ट में आप इसमें ना नमक डाल दो, ठीक है, क्योंकि नमक से भी ना क्या होता है कभी कभी दही जो होता है ना वो फट जाता है, तो लास्ट में मैंने दही में सॉरी कढ़ी में मैंने नमक डाल दिया, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है, उसके बाद हमारा बन रेडी है। ये देखिए ये कितना अच्छा टेक्सचर आया ना, और ये जब ठंडी हो जाएगी ना तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए मेरा हमारे पकौड़े कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। कोई मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो